जैसे हमारे मन में आया ये बहुत ऐसा, तो हम तुरंत नहीं, इसमें इनमें भगवान भी विराजमान है, ये बाहरी लीला है, हम तो अंदर के श्री भगवान को प्रणाम, बच जाओगे, वो दोष आप पे लागू नहीं हो पाएगा। मन अगर कहीं भी दोष करता है तत्काल वहां भगवान देखने की चेष्टा करो, तो आपका सत्य भाव उस असत भाव को काट देगा। ऐसे बाजार की चीजों को खाना बंद करो, घर में अपने नमक रोटी खाओगे स्वस्थ रहोगे, उसी पैसे की आप सब्जी ले आओ, फल फूल ले आओ और घर में पाओ। ये बाहर की चीजें हमें लगता है कि धीरे धीरे कम करो, बंद करो। दूसरों को पवित्रता का उपदेश दो, कभी रंग नहीं आएगा, जब हम वो अपने ऊपर लाएंगे तब दूसरों पे रंग आएगा। और दूसरी बात है कि मंदिर बनवाना या आश्रम बनवाना ये बाह्य बात है, हर हृदय के मंदिर के पट खोल देना ये खास बात है। मतलब हो सकता है तुम साइकिल से चलो पर तुम एक अच्छे आदमी बन गए, एक समाज सुधारक बन गए, एक मतलब जीवन अच्छा हो। अच्छा बहुत है, तुम बेईमानी करके दूसरे का हृदय दुखा दुखा करके खूब रुपया इकट्ठा किया और बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद ली और एक्सीडेंट हुआ, अंदर ही आग लग गई, जल के मर गए, फायदा क्या हुआ? क्योंकि बुरे कर्म का बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। पाप नष्ट करने के तो और भी उपाय हैं, लेकिन पाप की जड़ भी नष्ट हो जाए वो भगवान के भजन से होगी। नाम जप करो, राधा 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 जो नाम प्रिय हो, और भगवान के अंदर से शरणा, और वह नियम ये हो जाए कि अब लो नशानी, अब नाम आज तक किया अब हम भी कर। भगवान श्री राम कह रहे, सच्ची कहता हूं हनुमान, अगर भरत को सूचना नहीं मिली, केवल अवधि की बात जो रहे कि राम जी अब समय आएंगे, बस अगर सूचना नहीं मिली और विलंब हो गए तो भरत के प्राण चले जाएंगे, ऐसा भगवान से प्रेम है। करोड़ों ब्रह्म हत्या किए हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा यदि वो मेरी शरण में आ गया, भगवान कह रहे। असलियत में जब पता चल जाएगा कि ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, तो ऐसे मिथ्या आप नहीं छुओगे जैसे नकली नोटे नहीं उठाओगे। पर अभी हमको सच्चा ज्ञान नहीं है, कहते जरूर है मिथ्या है ले, पर हमको स्वाद मिथ्या में आ रहा है, इसलिए वो ज्ञान हमारा प्रयोग में ले आ रहा है। महान दुराचारी रहा हो और उसके दिमाग में आ गया कि भगवान के सिवा कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं, कोई हमारा साथी नहीं, कह रहे मैं उसे साधु बना दूंगा, भगवान कह रहे।